मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रंगों का छिड़काव करते हैं और होलियां खेलते हैं। लेकिन इस वर्ष की होली कुछ अलग होने वाली है क्योंकि इस वर्ष का त्यौहार कोरोना के साय में मनाया जाएगा। होली त्यौहार पूर्व में गठित एक कथा है जो भक्त प्रहलाद के अपार भक्ति हुआ करती थी, जिसमें उसके पिताजी हिरण्यकश्यप की कहानी को दर्शाता है। वर्तमान समय में होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है जिसमें लोग आपसी भाईचारे को दिखाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाने की परंपरा है। में इस बार का त्यौहार अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा क्योंकि इस बार कोरोना का खतरा टला नहीं है बल्कि दोबारा संक्रमण शुरू हो गया है, जिसको ध्यान में रखकर प्रशासन ने दुर्ग जिले में धारा 144 लगा दी है। चूंकि इस बार होली में लोग होली के लिए खरीदारी करने गए हैं, जहां हमारी टीम ने लोगों की राय जानी। सामान खरीदने वाले लोगों ने कहा कि कोरोना का संक्रमण दोबारा दिख रहा है, जिसके चलते बीमारी फैलने का डर है। इसके कारण सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, उसी के अनुसार होली मनाएंगे। वहीं अपने परिवार के साथ खरीदारी करने आई महिला ने बताया कि कोरोना को देखते हुए होली घर में मनाएंगे। तैयारी होली की, आज अभी कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप खुशी से मनाएंगे फैमिली के साथ। जी, उसी की खरीदारी में आए थे हम लोग। कोविड-19 महामारी जो है, वैश्विक महामारी है, और शासन प्रशासन को जो दिशा निर्देश हमको मिला, उसी अनुरूप हमको मनाना होगा। जैसे इस प्रकार से हमारे दुर्ग जिले में भारत के त्यौहार लगी हुई है, उसके साथ अन्य शहरों में भी लगी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम होली मनाया। क्योंकि जो साल में एक बार आने वाला है रंगों का त्यौहार, ये बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन हमको कोविड-19 के दिशा निर्देशों का हमको पूर्ण रूप से पालन करना होगा, तभी मुझे सबसे भारत वैसे। कोविड-19 को देखते हुए और शासन के गाइडलाइन को देखते हुए निश्चित रूप से तैयारी थोड़ी सी ढीली है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे घर में इसको अच्छे तरीके से मनाया जाए, क्योंकि साल भर में एक बार आता है ये त्यौहार और हमारा बड़ा त्यौहार है होली। हम घर में ही इसको इंजॉय करेंगे क्योंकि कोविड-19 का जो गाइडलाइन जारी हुआ है शासन का, तभी हमें पालन करना है। इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे आजकल जो ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करेंगे दूर से ही होली, क्योंकि कोरोना से हमें बचना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है, हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। ये एक बड़ी संकट की घड़ी है, ऐसे घड़ी में हमें खुशियाँ भी मनानी है और सुरक्षित भी रहना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि शासन के नियमों का पालन हो, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम उत्सव मनाएंगे और बड़ी शानदार तरीके से, क्योंकि जीवन अगर है हमारे पास तो हम उत्सव कभी भी मना सकते हैं। समाज को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको देखते हुए हम ऊपर उत्सव घर में ही मनाएंगे। और हम सबसे भी अपील करेंगे कि आप घरों में उत्सव अच्छी तरीके से मनाएं और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करें। आवश्यक नहीं है कि आप बाहर जाकर ही होली मनाएं, घर में भी हम अच्छी तरीके से होली इसको बेहतरीन तरीके से मना सकते हैं, अपने परिवार के साथ मनाएं। क्योंकि आप परिवार के साथ हैं तो होली कभी होली में और भी आगे समय हमें मिलेगा तो हम उसे मना। हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज, होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा।